हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका सियासी समीकरण में। मैं हूं नंदिनी किंडरा आपके साथ, और इस बार बात होगी तो शाम विधानसभा सीट की। जी हां, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला इस सीट पर माना जा रहा है। एक तरफ किरण चौधरी हैट्रिक लेने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी की जीत के रथ को रोकने के लिए चुनौतीपूर्ण तरीके से यहां पर खड़ी हुई हैं। तो शाम में जनता का कांग्रेस के लिए विश्वास मोदी लहर के बावजूद भी नहीं डगमगाया था, लेकिन इस बार यह विश्वास जो भी पार्टी और उम्मीदवार जीतेगा उसी के सर तो शाम का ताज सजेगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों के अलग और अहम मायने हैं, चाहे फिर वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की वजह से हो। तो शाम विधानसभा सीट भी उन्हीं हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि मोदी लहर के बावजूद ये सीट बीजेपी के हाथ नहीं आ पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी के लिए जनता का विश्वास। विश्वास की इस अहम कड़ी को बीजेपी छू भी नहीं पाई, भले ही लोकसभा में जीत के मायने अलग रहे हों और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी के लिए लोगों का विश्वास एक अलग और महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं तोशाम विधानसभा सीट पर टक्कर। तोशाम सीट पर टक्कर बीजेपी से शशि रंजन परमार, कांग्रेस पार्टी से किरण चौधरी, इंडियन नेशनल लोकदल से कमला रानी, जननायक जनता पार्टी से सीताराम सिंगला। यूं तो 2014 में तोशाम विधानसभा सीट पर कई उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी और अच्छे खासे वोट भी हासिल किए, लेकिन विधायक का ताज किरण चौधरी के सिर पर सजा। पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल का गढ़ माने जाने वाले तोशाम में ही किरण चौधरी की तकदीर बदली। 2005 के उपचुनाव में पहली दफा जीत हासिल की और उसके बाद 2009 और 14 के चुनाव में जीत का सिलसिला चल पड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तोशाम सीट का इतिहास, 39 साल तक पुरुष विधायकों का राज रहा। 2005 पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन। निधन के बाद तोशाम में उपचुनाव हुए, किरण चौधरी पहली बार चुनाव लड़ी। पहले चुनाव में वोटों का नया रिकॉर्ड बनाया। पहले चुनाव में 99.37% वोट लेकर नया इतिहास रचा। 2005 किरण चौधरी ने मंगल सिंह खरेटा को हराया। मंगल सिंह खरेटा को 1,25,560 वोट से मात दी। 2009 कर्नल गजराज सिंह को 46,107 वोटों से हराया। 2014 कमला रानी को 19,741 वोटों से मात दी। तोशाम विधानसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने उतरी कांग्रेस की किरण चौधरी के लिए जितना बड़ा ये मौका है, उससे भी बड़ा मौका यहां बाकी पार्टियों के लिए खाता खोलने का है, क्योंकि तोशाम एक अनारक्षित विधानसभा सीट है और इस सीट पर ज्यादा कांग्रेस का दबदबा रहा है। तो इस सीट से जीत की अहमियत हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। 2014 विधानसभा चुनाव तोशाम सीट का परिणाम, कांग्रेस से किरण चौधरी जीती। किरण चौधरी को 58,218 वोट मिले। दूसरे स्थान पर इनेलो की कमला रानी रहीं। कमला रानी को 38,477 वोट मिले। निर्दलीय राजबीर सिंह लाला को 38,427 वोट मिले। हजका से वेदपाल तंवर को 5,907 वोट मिले। बीएसपी जय भगवान को 1,971 वोट मिले। बीजेपी 75 पार के साथ प्रदेश की सभी बड़ी सीटों पर नजरें गड़ाए बैठी है और लोकसभा का परिणाम दोहराना चाहती है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है, लेकिन जेजेपी और इनेलो इस सीट पर तगड़ा मुकाबला देने को तैयार हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की प्राथमिकता साख बचाने की है।
और तोशाम भी हॉट सीट है। तोशाम से कब कौन विधायक बना? 1967 बंसीलाल आईएनसी, 1968 बंसीलाल आईएनसी, 1972 बंसीलाल कांग्रेस, 1977 सुंदर सिंह आईएनडी, 1982 सुरेंद्र सिंह कांग्रेस, 1986 बंसीलाल कांग्रेस, 1987 धर्मवीर एलकेडी, 1991 बंसीलाल एचवीपी, 1996 बंसीलाल एचवीपी, साल 2000 धर्मवीर आईएनसी, 2005 सुरेंद्र सिंह आईएनसी, 2009 किरण चौधरी आईएनसी, 2014 किरण चौधरी आईएनसी। तोशाम सीट से बीजेपी के सामने किरण चौधरी की एक बड़ी चुनौती है, जिसे पार करना किसी भी पार्टी के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। जनता का हाथ किरण चौधरी के साथ है, लेकिन बीजेपी भी कई ऐसे मुद्दों को साथ लेकर खड़ी है जिसने लोकसभा की 10 सीटों को हासिल करने में अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन इस मुकाबले के सामने दो और ऐसी पार्टियां हैं जो दोनों में से किसी की भी जीत की राह को आसान नहीं रहने देगी। लेकिन जो भी जनता के दिल में होगा, 24 अक्टूबर को तोशाम सीट का ताज उसी के सिर पर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस सीट का सियासी समीकरण बड़ा साफ सुथरा सा है। अगर बीजेपी को 75 पार करना है और बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी का ही ज्यादा दबदबा रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए किरण चौधरी की, तो वो लगातार 2005 उपचुनाव से लेकर अब तक वहां पर एमएलए हैं और सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, और अच्छा खासा दबदबा किरण चौधरी का इस इलाके में है। उनको हरा पाना इतना आसान नहीं होगा, यही माना जा रहा है। और हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ गए हैं तोशाम से। अमित, अगर बात की जाए तोशाम के सियासी समीकरण की, तो जाहिर तौर पर किरण चौधरी को तोशाम से हरा पाना इतना आसान नहीं है, बीजेपी इस बात को जानती है? निश्चित तौर पे बीजेपी इस बात से वाकिफ है। और आपको अगर मैं तोशाम का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूं जी, तो बंसीलाल परिवार करीबन यहां से 13 बार, चाहे वो चौधरी बंसीलाल हो या सुरेंद्र सिंह हो अथवा किरण चौधरी जी हो, करीबन 13 बार जो है वो विधानसभा में यहाँ से चुन करके गए हैं। देखिए, जहाँ तक मामला किरण चौधरी की का है, तो निश्चित तौर पे उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा मंत्री के तौर पे, वो बहुत उत्कृष्ट रहा है। और उन्होंने तोशाम में हर तरह के विकास कार्य कराए हैं, चाहे वो एजुकेशन से जुड़े हैं, चाहे वो पानी की समस्या से जुड़े हैं, चाहे बिजली की समस्या से जुड़े हैं, तो लोग निश्चित तौर पर उन्हें काम की वजह से ही याद कर रहे हैं। देखिए, हालांकि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था वहां से श्रुति यहाँ से हार गई थी तोशाम विधानसभा क्षेत्र से एमपी के चुनाव में, लेकिन इस बार जैसा रुख देखने को लोगों को मिल रहा है, किरण चौधरी को समर्थन यहाँ से बिल्कुल भारी मात्रा में मिल रहा है। अमित, और आज से ही नहीं, किरण चौधरी लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि उनको किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, बंसीलाल परिवार से हैं वो और उनके परिवार का काफी दबदबा इस सीट पर रहा है, लेकिन किरण चौधरी लगातार काफी एक्टिव अपने प्रचार प्रसार में, अपने कैंपेनिंग में भी नजर आई है। कद्दावर नेता है, बट उसके बावजूद भी कैंपेनिंग जोर शोर से कर रही है वो। देखिए जी, जहां तक उनका कैंपेन का सवाल है, जहां तक प्रचार का सवाल है, वो निश्चित तौर पे यहाँ इस हल्के में रहती हैं, और अब भी करीबन पिछले एक महीने से, चाहे या अथवा उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति हो, वो दोनों ही इस हल्के के अंदर पूरी तरह चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। हालांकि उन्हें चुनाव घोषणा पत्र समिति जो है ये कांग्रेस की, उसका चेयरमैन भी बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तोशाम क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो ये है कि बीजेपी क्योंकि सत्ता में रही है और केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता है, और पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है जी। तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं तोशाम में देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो प्रभाव नहीं है
जी लेकिन उसके बावजूद भी किरण चौधरी का जो प्रचार का तरीका पिछले कुछ दिनों से उन्हें जो समर्थन मिल रहा है उससे उनके दूसरे विरोधियों के लिए तो शाम सीट पर मुश्किलें बढ़ गई बहुत जी। कड़ा होगा। चलिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और वहां के सियासी समीकरण को इतने बखूबी अच्छे से समझाने के लिए। हमारे साथ एचके सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हैं। सर तोशाम सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट के बारे में जब चर्चा होती है तो बंसीलाल परिवार का ही जिक्र होता है क्योंकि 13 बार बंसीलाल परिवार के यहां पर विधायक रहे हैं, फिर चाहे वो खुद चौधरी बंसीलाल हों, फिर चाहे सुरेंद्र सिंह हों और उसके बाद किरण चौधरी हों। ऐसे में बीजेपी का जो 75 पार का नारा है इस सीट को लेकर मैं कहूं तो क्या किरण चौधरी को हरा पाना इस बार इतना आसान होगा क्योंकि लगातार 2005 से एमएलए हैं वहां पर। हाँ देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में अभी जो सरकार है भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हालांकि ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक सीट रहा है और इस पर बंसीलाल जी के परिवार का ही वर्चस्व लंबे समय से रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इसमें एक दिलचस्प मुकाबला इस इलेक्शन में होने वाला है। लेकिन अगर अगर पॉलिटिकल ग्राफ देखें, अगर इकोनॉमिक ग्राफ देखें और पॉपुलरिटी देखें तो खट्टर सरकार वहां पर बहुत ही पॉपुलर हरियाणा में है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि भाजपा को बढ़त तो होगी, हालांकि ये पारिवारिक सीट रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में एक दिलचस्प सा मुकाबला हो गया है। तीसरे साइड में कांग्रेस भी है तो यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से चीजें होती हैं। लेकिन अभी मेरा अपना आकलन नहीं है कि सीट पर भी भाजपा की बढ़त रहेगी और भाजपा के कैंडिडेट भी यहाँ पे जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका एच के सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ विजय कौशिक भी जुड़ गए हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय कौशिक जी। जब बात तोशाम सीट की आती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस बड़ी आश्वस्त नजर आती है। विजय कौशिक जी चलिए लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें कि तोशाम सीट पर लगातार 2005 उपचुनाव से किरण चौधरी यहां से एमएलए हैं और अगर बंसीलाल परिवार की बात की जाए तो खुद चौधरी बंसीलाल समेत सुरेंद्र सिंह किरण चौधरी यहां से विधायक रहे हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी का बंसीलाल परिवार का ही सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहां पर किरण चौधरी को हरा पाना क्या उतना आसान होगा और उधर जेजेपी और आईएनएलडी भी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर बात की जाए बीजेपी से तो यहां पर शशि रंजन परमार जो हैं वो किरण चौधरी को टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर सियासी समीकरण को लेकर चर्चा लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासी समीकरण देख रहे हैं आप और आज चर्चा हो रही है तोशाम सीट की जो कि जाहिर तौर पर हरियाणा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक मानी जाती है क्योंकि यहां पर जिस परिवार का दबदबा है वो जाना माना चेहरा है बंसीलाल जी और चौधरी बंसीलाल के परिवार से यहां पर 13 बार विधायक चुने गए हैं यानी 1967 से लेकर अब तक कुल 13 बार चौधरी बंसीलाल के ही परिवार के यहां विधायक रहे हैं, फिर चाहे खुद चौधरी बंसीलाल हों, चाहे सुरेंद्र सिंह हों या फिर किरण चौधरी हों। 2005 उपचुनाव के बाद किरण चौधरी ने जब यहां से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी, 99% वोट लेकर उन्होंने इतिहास रचा था 2005 में और उसके बाद लगातार उसके बाद से किरण चौधरी यहां से एमएलए हैं, सरकार में मंत्री भी रही हैं, कद्दावर नेता हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं बीजेपी से शशि रंजन परमार, इनेलो से कमला रानी, जेजेपी से सीताराम सिंगला। इनेलो के कैंडिडेट कमला रानी ने 2014 में सेकंड पोजीशन पर आई थी और किरण चौधरी ने उनको 2014 में हराया था कमला रानी को और इस बार भी कमला रानी ही इनेलो की कैंडिडेट हैं। और बीजेपी का 75 पार का नारा इस सीट को लेकर अगर कहा जाए तो किरण चौधरी को यहां से हराना इतना आसान नहीं होगा।
और इस पर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशोक चौहान जुड़ गए हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अगर तो शाम सीट की बात की जाती है तो यहाँ पर जिक्र सिर्फ किरण चौधरी का ही अक्सर होता है, लेकिन क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी या कोई और अन्य पार्टी तो शाम सीट पर किरण चौधरी को टक्कर दे पा रही है? देखिए तो शाम जो सीट है जी चौधरी बंसीलाल जी है, बंसीलाल जी के उससे मानी जाती है और हमेशा से जो है इन्हीं के परिवार में रही है। किरण चौधरी ने 2014 में भी जो है अपना आदर्श जो कैंडिडेट थे बीजेपी के और अदर इनेलो के उनको अच्छी शीर्षक जीत की, और उसके बाद में जो इस साल भी जो है इस बार जो हो रहे हैं 2019 के चुनाव विधानसभा के उसमें भी सशक्त उम्मीदवार के रूप में जो है वो अपना मैदान में डटी हुई है। आदर्श जो है महीने लोगों के नाम बीजेपी का उनको अपनी जमानत इनकी बच जाए तो शायद ही अपना जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जमानत बचाएं और उसके बाद में जो है अपना जो है वो भी अच्छा प्रदर्शन करें। पर उम्मीद ये है कि उनको टक्कर देंगे जरूर, पर वो टक्कर इतनी होगी कि उनकी जीत पे ही वो टक्कर जो है वापिस हो पाए। जी बिल्कुल अशोक जी, वहीं अगर बात की जाए खुद किरण चौधरी की तो कद्दावर नेता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे काफी स्ट्रांग कैंपेनिंग इस वक्त उनकी चल रही है, यानी अपने क्षेत्र में वो कई दिनों से डटी हुई हैं और टिकट वितरण के बहुत पहले से ही किरण चौधरी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रही थी। तो शाम का जो विधानसभा क्षेत्र है वो जो है एक तरह का बंसीलाल फैमिली का मंगढ़ माना जाता है और किरण चौधरी उनका प्रतिनिधित्व करती है तो शाम विधानसभा के लोगों का, तो लिहाजा जो है जो लोग हैं जो वोटर्स हैं उनको अपना मानते हैं और वो भी अपना जो उनको किरण भी उनको अपना मानते हैं उनके जो दुख सुखों में अच्छे बुरे में और जो उनके साथ रही हैं और जो तो फिर अपना ये कि फिर मतदाता उनको कैसे निराश कर सकता है। तो कोशिश यही है कि अपना जो है वो सीट अपने निकालेंगे और बड़ी ही सम्मान से और बड़े ही अच्छे मार्जिन से निकालेंगे। अगर पार्टी है देखो कोशिश करती है हर कोई, वो थोड़ा ही है वो ये कि 75 पार हो गई 80 पार हो गई 85 पार हो गई ये तो कहना है सबको कहते हैं और कहना भी चाहिए जी। है ना, पर कोशिश हर कोई करता है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि वह अच्छा प्रदर्शन करे उम्मीदवार और उनके ज्यादा से ज्यादा सीटें ज्यादा ज्यादा वो उनको अपना प्रतिनिधित्व अच्छा मिले। कद्दावर नेता है अपना जो है किरण चौधरी, अपना जो उनके हिसाब से जो है अपना सही है और अपने जो है मतदाताओं का उन्होंने पूरे 5 साल ख्याल रखा है भले ही वो विपक्ष में ही क्यों ने रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाम के सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो आज भी किरण चौधरी को ही वहां पर प्रबल दावेदार माना जा रहा है और माना जा रहा है कि बाकी पार्टियां कोशिश जरूर कर रही हैं लेकिन अभी भी वहां पर जीतने की संभावनाएं किरण चौधरी की ज्यादा बताई जा रही हैं। और इसी के साथ सियासी समीकरण में इतना ही।